इब्राहिम साहब कि पे दिसो जहाँ मुल्क की माशी सूरत हाल है एक पास अगूणों वजीर अजम जो है शाहिद खाकान अब्बासी उन्होंने गुजर प्रेस कॉन्फ्रेंस कई अगूणों फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल उन वेही मानुन के बुधाय तो 4000 अरब जहाँ वह टैक्स लागू किया वह मानुन ते जहाँ महंगाई है जै रीत उनमें इजाफो थे पो गैस अघ ताज़ो वधाया वह पेट्रोल जहा अघ वधाया वह अवाम में कावड़ की लहर है मुख्तलिफ हंधन से कल मुजाहरा भी थे ही मानू पां लेखे छिड़ विछिड़ा मुजाहरा कन पा था बे पास दिसूँ था जे यू आई वा उनके सरबराह उ काफ़ी तनकीद कन था तैयारी कन पा था तहरीक की पीटीआई की ख्वाहिश है ही है तो क्या अड़ी तहरीक हलन खपे सो पोलिटिकल पार्टी की ख्वाहिश पां जगह पर ही जो मू वाकई इन पार्टी से गजन था तो अवे तो लगे ये जो छिड़ विछिड़ एहतजाज हैं किथे ये कें वी तहरीक में तब्दील थी सकन था जी बिल्कुल जैसे ये नंढे पैमाने से थन्दड़ एहतजाजन उन्हें वरी का वही शक्ल अख्तियार कर वरती तो लाजमी हुकूमत ला मसला पैदा थन्दा ही तहरीकों बुनियादी तौर पर इं ही शुरू थन्दन इं ही हलद पर ऐसो यो है तो पाकिस्तान में माजी में का बगैर कें सपोर्ट के या पीवर के कैसे पोलिटिकल बुनियादन से अड़ी तहरीकों हलियं वो केतर कामयाब थ उन नतीजे में जो अवाम के केतो रिलीफ मिलो महंगाई हकीकी तौर पर मतलब यह हकीकत है पर बदकिस्मती है जो रियासत जो सो है वह मालिकी जो वो पब्लिक की कदें कई ना है रियासत जो मुआशी ढांचो सदो जो सो है वो आलमी साम्राजी जो इदारा उन्होंने जो सो बदल है खास तौर पर IMF वर्ल्ड बैंक जिते भी मालियाती इदारा उन्हें पैसन रोकड़न से न रुगो वो पर हुकूमत अलल ऐलान यो चवी रही है गुजरल केतर ही समूर जो बजट्स पेश थन्दून ताज़ो ही जैसे फाइनेंस मिनिस्टर जो तकरीर कई है उन्हें भी वाजे तौर पर यो जो पैसों अचे तो जो हाजिरिंग थे थी इनकम वह अद जो असि सूबन के था दूँ अद जो सो उन्हें कर्ज हल्ला वफाक जो खर्च हैं वो असि उधार से था हल्ला तो उधार से हलण वो जो अलल ऐलान जो वही खुशी से वो ऐलान कदा था वन पर उन्होंने का कें किस्म की मुआशी पॉलिसी ना है रही मुआशी पॉलिसी न रहने जो कई कारण उनमें जो इंडक्शन थे थी जो मुख्तलिफ वक्त में थे थी जो एस्टेब्लिशमेंट है वह हमेशा यो सोची है तो हि जो सिविल हुकूमतू अचन थी खी उनके आणजे तो या पा अचन थी या थोड़ो घणो अवामी उन्हें सपोर्ट में अचन थी उन्होंने वो पैं मू दई छा या उन्होंने जो मू उनकी एजेंडा से हल्दा वो तुम अफीक पाशा का वी मौजूद है जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्हीं तीन तो वो सब मू असल में उन्हें ही मान अच्छा ख्वाजा आसिफ जो अज बयान शाया थो मुख्तलिफ अखबार में वो भी दिखो हों फाइनेंस मिनिस्टर जो हवा दिनों ना IMF के हवा से तो भी चवंदा IMF जो है वह पाकिस्तान की खुदमुख्तियारी के लिए IMF जो इदारो खतरनाक है गडोगड उन बयान जो यो भी हिस्सो है तो जो खुदमुख्तियारी के लिए उनके खतरनाक भी समझन था पाया गडोगड चवन था तो ये जो नवा टैक्स लागू थे ये IMF के दबाव के करे थिया अज मुख्तलिफ अखबार कुछ इनके सुपर लीड भी किया पा मनन था बिल्कुल यो एतराफ जो है एतराफ खुद गवर्नेंस की नाकामी जो ऐलान है तमाम बोल्ड स्टेटमेंट है मिनिस्टर जो तमाम वेझो मिनिस्टर है काबिर आम वजीर आजम के वेझो अड़ी अड़े किस्म की गाल करे तो आं समझा तो यह हुकूमत की नाकामी कहीं जगह से है पर जो गाल कई पे तो जे वो दबाव प्रेशर बल्कि वो पान जो चवन था तो हि शर्तू शर्त रखा IMF की शर्त आलमी इदारे आलमी बैंक जन ये फलानी बैंक जन एशियाई बैंक जन तो उन शर्त के न रुगो कबूल कन था पर आवाम के बुधाइन था पर सूरत बे पास वही बी है तो इलीट अशराफ का क्लास है जो ब्यूरोक्रेसी है या जो इदारा जो हिसाब का बालातर जिनका को हिसाब किताब नो वो वे मसलो यो है जो इलीट क्लास है उन्हें सोचे छो है कि पाकिस्तान जो सो उन्हें जो है रियासत जो सो अवाम की जका उनके जिम्मेवारी खरण घुर्जे या मालिकी जका करण घुर्जे वह कदें भी ना कई उन्हें जे करे ये मसला थियन था उन्हें सूरत में जैकें ये तहरीकों जन्म वन मतलब ये जदोजहद या जुलूस जलसा वा
कें भी वक्त से बड़ो बबड़ जो सो वो भड़की सके तो है वो कंट्रोल कर मुश्किल थी सके तो सही। पर जी त उनके किथे न किथे हाईजेक कर वो है कई पार्टी उन विच में अची वन उनके इदार के डिफेंड करण के लिए या कें अड़ी सूरत खतरे वाली सूरत का बचाने के लिए तो वो वो डिफ्यूज है समझा तो जैसे मानू पान फैसलो किया छो जो मू पा उछन था पा एतरा नजरियाती तौर से तैयार थी उछी बी रहन वो तो उन्होंने कें रोके नो सके पर इतने जो से रोकण वा खुद जो सियासी पार्टी उन वही उन्हें अग में अगर रुकावट विजन जो उनके हुक्मरानी की लस लगी वही है अड़ो उन्होंने लजत अची वही है जो हू समझन थी पे वार जो उन्होंने हुकूमत उन्हें बारा भोगींदा तो समझा तो हुक्मरान पार्टियों या उनको इताद जो सो अड़न कें जदोजहद में या तहरीक तहरीक शुरू थे अग में ही रुकावट विजन उन गाल बोलू कर एक पास कर सकते।